हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वाली वीडियो में अपन सीखेंगे टीजीआर एनआरजेड की ये वाली वीडियो एडिटिंग, जिसे मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से करके बताऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज होने वाला है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पर सर्च करोगे अनमोल टेक तो फर्स्ट यूआरएल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये वाली पोस्ट मिल जाएगी। तो आप इसका ये थंबनेल देख लेना। ओके, तो ये एडिटिंग करने वाले अपन काइन मास्टर में। तो काइन मास्टर को ओपन कर लेना है, क्रिएट एंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये वाली साइज को सिलेक्ट करना है 1:1 और क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट में इमेज एसेट्स पे क्लिक करके ब्लैक कलर को सेट कर देना है और इसका जो ड्यूरेशन है वो आपको रखना है 15 सेकेंड के लगभग। ओके, क्योंकि टोटली अपनी जो वीडियो है वो लगभग 23 सेकेंड की बनने वाली है। ओके, और फर्स्ट में आ जाना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने सॉन्ग को ऐड कर लेना है। तो ऑडियो पे क्लिक करके आप अपना जिस भी फोल्डर में पड़ा हो वहाँ से आपको सॉन्ग को ऐड कर लेना है। और अब आपको ऐड करना है अपनी वीडियो के लिए फोटोज और वीडियोस, जिसके ऊपर अपनी पूरी एडिटिंग होगी। तो मैं पहले ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, जिससे कि आप और भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की फोटो आपको ऐड करना है। एक ये और एक ये लॉबी वाला और एक ये आईडी का जो प्रोफाइल है, ये मेरा खुद का स्क्रीनशॉट है। अगर आप अपना लगाना चाहो तो आप खुद का स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हो, जिसमें कि आपको आपका नाम शो हो, तो आप खुद का यूज कर सकते हो। लॉबी वाली आप ये फोटो यूज कर सकते हो, ठीक है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो कैरेक्टर है आप देख सकते हो, दोनों में मैंने रिमूव कर रखा है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट रिमूवर एप्लीकेशन से इजीली रिमूव कर सकते हो। आप पिक्सआर्ट में भी कर सकते हो या फिर आप जिसमें भी करना चाहो उसमें कर सकते हो इजीली। और यहाँ पे एक वीडियो है जिसमें कि मेरा जो कैरेक्टर है वो इनविजिबल है और इस तरह से मैं रनिंग कर रहा हूँ। तो ये वीडियो भी आपको चाहिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वाली जो फोटो है आपकी प्रोफाइल आईडी, इसको आपको मैन्युअली जूम करना है। तो दोनों फिंगर से आपको पकड़ के कुछ इस तरीके से जूम करना है, जिससे कि आपका नाम भी नहीं दबे। ये जो नाम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में, ये नाम कटना नहीं चाहिए। और यहाँ पे अपना जो कैरेक्टर है वो भी परफेक्ट तरीके से सेट हो जाए, वो भी फ्रेम से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो आपको इसे ज्यादा जूम नहीं करना है। और अब आपको क्या करना है, ये जो लॉबी वाली फोटो है इसको आपको क्या करना है, ये जो स्प्लिट स्क्रीन है इस पे क्लिक करोगे, ये जो व्हाइट है इस पे आपको टैप कर देना है, जो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी फुल स्क्रीन। ओके, और यहाँ से आपको बाहर आ जाना है। अब आपकी ये जो वीडियो है, ठीक है, इसको भी आपको इसी तरह से जूम कर लेना है। तो नीचे स्क्रॉल करना है इस पर क्लिक करके, इसमें भी आपको स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिलेगा, तो इसको भी आपको व्हाइट पे टैप कर देना है, ठीक है। अगर इस तरह से रोटेट हो जाती है तो घबराना नहीं, आपको सिंपली बाहर आना है, नीचे स्क्रॉल करना है, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको रोटेशन और मिररिंग वगैरह सब मिल जाएगा। इस तरह से आप रोटेट करके देख सकते हो, जिस भी पोजिशन में आपका सीधा हो जाए उस तरह से कर लेना है। ओके, और यहाँ से भी आपको बाहर आ जाना है। अब देखो दोस्तों, अपनी वीडियो में ये जो रोड है, ठीक है, जैसे ये मैं रनिंग कर रहा हूँ, इनविजिबल है, तो ये बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन अपनी वीडियो में बहुत फास्ट है, जो कि इटाची है बहुत फास्ट रनिंग कर रहा है। तो उसके हिसाब से अपना जो रोड है वो भी स्पीड में चलना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है, स्पीड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो स्पीड है आपको 1.8x तक कर देना है। ओके, इतना। और अब आपको इसके लास्ट में आ जाना है। और अब क्या करना है दोस्तों, कि ये जो आपको फ्रेम दिख रहा है, फोटो दिख रहा है, इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। मतलब कैसे लोगे, तो यहाँ पे पहले ही मैंने ऑलरेडी इसको ऐड कर रखा है, तो इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ और वापस इस पे लास्ट पोजीशन पे आ जाना है, लास्ट फ्रेम पे। ओके, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्क्वायर वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। और जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है कैप्चर एंड एज ए लेयर, ओके, एड एज ए लेयर, तो इस पे आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपका इसका एक फोटो कैप्चर होके आगे की तरफ ऐड हो जाएगा लेयर में, जो कि अपने को लेयर में चाहिए। ओके, और इसको भी आपको फुल स्क्रीन कर लेना है, स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करके व्हाइट पे आपको टैप कर देना है। तो अब देखो, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, एकदम से आपका रोड रुक जाएगा। ओके, और यही अपने को चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, अब अपना जो बेस है एडिटिंग का वो पूरा परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब अपने को हर एक चीज़ यहाँ पे मैन्युअली ऐड करना है, मतलब इटाची का जो ग्रीन स्क्रीन है, जो भी मॉन्स्टर आता है और जो भी बर्ड का फ्लाई होता है, अपना कैरेक्टर है, वो सारी चीज़ें अपने को अलग से ऐड करना है। तो वो कहाँ कहाँ से कितनी कितनी लगानी है वो अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अपन इटाची का ग्रीन स्क्रीन ऐड कर लेते हैं, जो कि आपको लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके ऐड करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको ग्रीन स्क्रीन में वीडियो देखने को मिलेगी। तो सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे क्रोमा की का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है और इसे इनेबल कर देना है, जिससे कि आपकी ग्रीन स्क्रीन पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगी। ओके, और यहाँ से आपको बाहर आ जाना है और इसको परफेक्ट इस तरीके से सेट कर देना है। थोड़ा सा अगर साइज छोटी बड़ी करना हो तो आप कर लेना अपने हिसाब से। ओके, और इसकी जो लेंथ है आपकी जो फोटो है उतनी ही रखनी है। तो नीचे क्लिक करके पीछे से आपको ट्रिम कर देना है। अब क्या करना दोस्तों, कि इसी वाली वीडियो को आपको डुप्लीकेट करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट इसे कर लेना है। ओके, और अब यहाँ पे आपको इसे ड्रैग करके आपकी जो लॉबी है इस वाली पोजीशन पे लेके आ जाना है।
ठीक है। तो आपकी लॉबी वाली फोटो पे आप क्लिक करोगे, इसके फर्स्ट पॉइंट पे आके आपकी जो ये ग्रीन स्क्रीन वाली है इस पर लॉन्ग प्रेस करके आप इसको टच कर देना है, जिससे कि बराबर पोजिशन में ये सेट हो जाए। ओके, अब मैं प्ले करके बताऊँ, तो देखो ये अभी सेंटर में नहीं है, तो इसे अपने को सेंटर में करना है, जहाँ तक अपनी लेंथ है लॉबी वाली फ़ोटो की उतना इसे रखना है, और राइट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो लॉबी वाले के एंड पॉइंट पे आके इसे पीछे से आपको ट्रिम कर देना है, जिससे कि बराबर साइज में कट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको एक एक सीन को क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अपने दो सीन जो है वो कम्प्लीट हो चुके हैं। कम्प्लीट तो क्या है, मतलब ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुके हैं जैसे मान सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों अपना जो स्टार्ट करते हैं और जो यहाँ पे टाइमर आता है वो अपने को ऐड करना है, तो उसका भी मैंने अलग से क्लिप रिकॉर्ड कर रखा है, तो मैं इसको भी इसी पोजीशन से ऐड करता हूँ। और यहाँ पे आपको लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके ऐड कर लेना है, ओके, जो टाइमर वाला वीडियो है उसे। तो यहाँ पे दोस्तों आप वीडियो में जितनी भी चीज़ें ऐड करो ना, वो आपको लेयर पे क्लिक करके मीडिया से ही ऐड करना है, ओके। यहाँ पे डायरेक्ट मीडिया का ऑप्शन है, तो यहाँ से ऐड मत करना। तो मेरी वीडियो देख सकते हो कुछ इस तरीके की है, मैं आपको प्ले करके बताऊँ, जिसमें आपको टाइमर दिख रहा होगा, और इसकी जो ड्यूरेशन है, लेंथ है, अपना जो लॉबी वाला फोटो है उतनी ही रखनी है, ओके। तो इसको मैं पीछे से ट्रिम कर देता हूँ, राइट, ओके। अब इसको मैं परफेक्ट तरीके से सेट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, फर्स्ट में आ जाना है, यहाँ से बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है और स्प्लिट स्क्रीन पे जाना है, और यहाँ पे आपको जो तीसरे नंबर वाला है स्प्लिट, ओके, इस पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अपना टाइमर यहाँ पे आ रहा है, तो टाइमर वाली पोजिशन पर आ जाना है, और अब यहाँ पे आपको ये एरो मिलेगा, इसे आपको ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है, उतने तक रखना है जितना अपना टाइमर शो हो रहा है, ओके, इतना। और आपको कहीं पे भी बाहर क्लिक कर देना है, तो इससे आप बाहर आ जाओगे। अब मैं आपको प्ले करके बताऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना टाइमर भी आ चुका है, जो कि परफेक्ट टाइमिंग के साथ आ रहा है। और यहाँ पे अपना सेकेंड सीन भी कम्प्लीट हो जाता है, और अब आ जाता है अपना तीसरा सीन। इसके अंदर अपने को जो इटाची रनिंग कर रहा है वो क्लिप ऐड करना है, और यहाँ पे अपना कैरेक्टर सामने खड़ा होता है, बर्ड्स वगैरह आते हैं, वो सारी चीज़ें अपने को इस सीन में ऐड करना है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, तो आपको ध्यान नहीं देना है, ओके। तो यहाँ पे आपको ग्रीन स्क्रीन ऐड करना है इटाची का जो रनिंग कर रहा है, और ग्रीन स्क्रीन को आपको उसी तरीके से रिमूव कर लेना है जैसे कि अपनों ने आगे वाली करी थी, ओके। प्रोसेस सेम है ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने की, तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, ओके। ये वाला वीडियो जो कि आप देख सकते हो इटाची रनिंग कर रहा है, इसका जो ग्रीन स्क्रीन है मैं रिमूव कर लेता हूँ, और इस वाली क्लिप को आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ इधर लेफ्ट साइड में ड्रैग करना है, और यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। अगर आप थोड़ी सी छोटी करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे मेरे हिसाब से इसकी जो साइज़ है वो परफेक्ट है, तो मैं फिर भी हल्की सी छोटी यहाँ पे कर देता हूँ, और यहाँ पे इस तरह से सेट कर देता हूँ, ओके। अब अपना थर्ड जो सीन है वो कहाँ तक प्ले हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है आपको कितना रखना है, आपको इसी सीन में बर्ड वाली जो ग्रीन स्क्रीन है वो भी ऐड करना है। तो इसके जो एंड पॉइंट है अपना तीसरे सीन का, तो इस क्लिप को आपको लास्ट तक नहीं रखना है, इस तीसरे सीन की जो लास्ट पॉइंट है यहाँ तक नहीं रखना है, ओके। तो आपको कुछ इतना ही रखना है, बाकी अपना जो रोड है वो इनविजिबल होना चाहिए इस तरह से, ओके, क्योंकि यहाँ पे अपना जो बर्ड वाला सीन है वो आएगा, क्योंकि इटाची बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ इस तरीके का सीन आपने देखा होगा। अब गाइस यहाँ पे आपको एक एनिमी को ऐड करना है, मतलब कि सामने आपको एक बंदा खड़ा करना है जिसकी तरफ अपना इटाची भाग कर जा रहा है उसको मारने के लिए, तो आपको इसके फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना है, ओके, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके अपने पीएनजी को ऐड कर लेना है। किसी भी तरह का कैरेक्टर का आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको अपना ऐड करके बताता हूँ, कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से कैरेक्टर ले सकते हो, तो मैं इसका यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको अपना जो ये वीडियो है ऊपर वाला जो बैकग्राउंड वीडियो रोड का, ये यहाँ तक खत्म हो रहा है, तो इसके बराबर इसको पहले कट कर लेते हैं पीछे से, ओके। अब इसको अपने को एनिमेट करना है, मतलब कि पहले अपना कैरेक्टर छोटा रहता है, मतलब दूर है तो छोटा दिखेगा, और जो अपना ईटा चाहिए इसके पास दौड़ के जा रहा है तो धीरे धीरे बड़ा होगा, है ना, तो कुछ इस तरीके से अपने को एनिमेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, कि इसको छोटा करना है आपको, ठीक है, आपको यहाँ पर लास्ट टाइम मतलब कि दूर खड़ा कर देना है, तो मैं इसको छोटा करके दूर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। आपको परफेक्ट तरीके से करना है, आराम से वर्क करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, ओके, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। अब आपको क्या करना है कि इसमें की फ्रेम को ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको एक की का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे लास्ट में आ जाना है, और यहाँ पर इस कैरेक्टर को जूम कर लेना है, ठीक है, इतना बड़ा साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, अब मैं आपको प्ले करके बताऊँ, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको, इस तरह से आपको एनिमेट करना है,
इसको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, मतलब पीछे की साइड ले लेता हूँ, अपने कैरेक्टर के थोड़ा ऊपर आ रहा है, और थोड़ा सा इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ। आपको बिल्कुल बारीकी से करना है। ओके गाइस, तो अब देखो कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना जो इटाची है ये गायब हो रहा है। ठीक है, मतलब कि यहीं तक मैंने इसे रखा है, क्योंकि यहाँ से अपना बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बर्ड का ग्रीन स्क्रीन आपको मिल जाएगा। तो मैं ऐड कर देता हूँ, ग्रीन स्क्रीन को मैंने रिमूव कर लिया है। अब इसको आपको परफेक्ट तरीके से यहाँ पे सेट करना है, आपका जो कैरेक्टर है इसके ऊपर, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से। इसके अंदर भी आपको की फ्रेम डालना है। ओके, तो पहले इसका जो टाइमिंग है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है अपना वीडियो, तो इसको छोटा करना है। तो इसकी अपने को स्पीड भी बढ़ानी है, क्योंकि अपनी जो बर्ड है वो काफ़ी स्लो है। ओके, तो स्पीड में आके इसको आपको 2 पॉइंट तक कर देना है। ठीक है, अब आपका जो वीडियो है, ठीक है, इसको कहाँ तक रखना है, इसको थोड़ा सा आपको छोटा करना है बस। ओके, क्योंकि यहाँ से अपना अगला सीन स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों ही जो ग्रीन स्क्रीन है अपने को इसी कैरेक्टर के अंदर रखनी है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे से कट कर देता हूँ इतना, क्योंकि इसको डुप्लीकेट करके अपने को रिवर्स भी करना है, जिससे कि वो वापस एकजुट हो जाए, है ना। अभी जैसे खुल रही है पूरी इस तरह से, आप देखो। ठीक है, अभी इसकी जो साइज़ है वो आपको थोड़ी बड़ी करनी है, तो की फ्रेम की हेल्प से आपको बड़ी करना है। ठीक है, तो लास्ट में आपको की फ्रेम ऐड करना है, और इसको आपको फुल स्क्रीन कर लेना है। ओके, कुछ इस तरीके से इतना। तो अब देखो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब इसी को आपको रिवर्स करना है, तो इस पर क्लिक करके पहले इसको डुप्लीकेट कर लो। ओके, और आपको कुछ इस तरीके से आगे प्लेस करना है जस्ट इसके। ठीक है, परफेक्ट तरीके से करना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, पहले इसका जो की फ्रेमिंग है वो आपको हटा देना है, क्योंकि अपन रिवर्स करेंगे तो उसमें अपने को की फ्रेम नहीं चाहिए। इसको पीछे से मैं हटा देता हूँ, और अब यहाँ पे आपको रिवर्स का ऑप्शन मिलेगा, रिवर्स इसको कर देना है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है, तो डोंट वेरी, आपकी जो वीडियो की लेंथ है वो छोटी है, इस वजह से रिवर्सिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आपको अपनी जो वीडियो की लेंथ है इसे बढ़ा लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैंने पीछे से कट कर रखी थी। ओके, तो बढ़ा लिया, अब मैं रिवर्स करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी क्लिप रिवर्स हो जाएगी, और मेरी भी हो चुकी है। बस कुछ देर आपको वेट करना है, रिवर्स हो चुकी है, अब आपको वही प्रोसेस अप्लाई कर देना है। ओके, तो अब देखो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अब क्या करना है गाइस, कि इसकी जो लेंथ है थोड़ी सी आपको इस तरह से बढ़ा लेना है। ठीक है, मतलब कि आगे की तरफ आपको ड्रैग करना है, और इसको भी आपको की फ्रेम दे देना है, मतलब कि फर्स्ट जो की फ्रेम है वो आपको जूम करके रखना है कुछ इस तरीके से, और बाद में आपको इसे छोटा कर देना है, और छोटा कर देना है कुछ इतना। ओके, अब यहाँ पे आपको अपने कैरेक्टर को ऐड करना है, जो कि अपना कैरेक्टर ऑलरेडी है यहाँ पे, तो एक बारी और आपको ऐड करना है, क्योंकि अब अपनी जो बर्ड है वो अपने कैरेक्टर के पीछे जाएगी, जो कि अभी ये जो बर्ड है अपने कैरेक्टर के सामने। तो यहाँ पे अपना कैरेक्टर वापस अपन इसको ऐड करते हैं, तो ये रिवर्स होके अपने कैरेक्टर के पीछे जाएगी, तो कुछ इस पोजिशन पर अपन वापस अपने कैरेक्टर को ऐड करेंगे। ओके, तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको दोबारा ऐड कर लिया है, और इसकी साइज़ आपको कितनी रखनी है, मतलब कि जो आपने कट किया था इसके जस्ट आगे से ऐड करना है। तो इसकी कैरेक्टर की साइज़ देखो इतनी छोटी है, तो अपने को पहले इसकी साइज़ के बराबर इसे कर लेना है, जो अपना आगे वाला कैरेक्टर है, तो इसको मैं कुछ इस तरीके से छोटा कर लेता हूँ, और उसके ऊपर आपको प्लेस कर देना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना है, बारीकी से। थोड़ा सा टाइम लगे तो लगने देना, बट बारीकी से करना, अच्छे से मैच होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे इसको की फ्रेमिंग करना है थोड़ी सी, इस वाली को भी, क्योंकि यहाँ पे अपना जो रोड है स्टॉप हो रहा है, तो यहाँ पे अपना कैरेक्टर भी स्टॉप होना चाहिए। बट अभी देखो अपना जो रोड है वो चल रहा है, बट अपना कैरेक्टर वो उसी जगह पे है, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो अपन इसको थोड़ा सा की फ्रेम कर देंगे, तो आप इसकी फोर्थ सीन के फर्स्ट पॉइंट पर आना है, और यहाँ पर अपने कैरेक्टर वाली फ़ोटो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको की फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपको जूम कर देना है, और यहाँ पे रोड पे कुछ इस तरीके से प्लेस कर देना है। ओके, अब मैं आपको प्ले करके बताऊँ, ये देखो कुछ इस तरीके से लगेगा। तो आपको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा समय देना है, तो परफेक्ट तरीके से आप कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको सारी लेयर्स दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने सेट कर रखा है। तो देखो अपना जो इटाची का जो रनिंग कर रहा है, आप यहाँ पे नीचे प्रीव्यू देख सकते हो, प्रीव्यू आपको दिख जाएगा, ये आपको कहाँ तक रखना है, और अपना जो बर्ड वाला है वो कहाँ तक रखना है, और ये जो नीचे अपना जो कैरेक्टर है ये कहाँ तक रखना है। ओके, तो अपना जो फर्स्ट बर्ड वाला ग्रीन स्क्रीन है यहाँ तक ही रखना है, और जो रिवर्स वाली क्लिप है वो सेकंड क्लिप पर अप्लाई करना है। ठीक है, सेकंड जो ये अपना कैरेक्टर अपनों ने ऐड करा है इसके ऊपर ऐड करना है।
जिससे कि सेकंड कैरेक्टर में ये बर्ड अपने कैरेक्टर के पीछे चली जाएगी। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे प्ले करके बताऊँ, इसको मैं वापस नीचे कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ से कन्वर्ट हुआ एंड अपने कैरेक्टर के पीछे चली गई सारी बर्ड। ओके, अब आपको फोर्थ सीन के फर्स्ट पॉइंट पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हो इस कैरेक्टर की जो लेंथ है मैंने यहाँ तक रखी है, क्योंकि यहाँ पे अपना जो इटाची है वो पीछे से पंच मारेगा और अपना यहाँ पे किल होगा। ओके, एनिमी जो कि यहाँ से अपने को लूट बॉक्स का पीएनजी लगाना है, ब्लड का पीएनजी लगाना है, रोड जो ब्रेक हो रहा है उसका पीएनजी लगाना है, तो सारी चीज़ें अपन यहाँ से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपन इटाची का ग्रीन स्क्रीन लगा देते हैं जो कि अपने बर्ड कन्वर्ट होकर वापस अपने कैरेक्टर के पीछे जाएगा, कुछ इस तरीके का सीन बनेगा। ओके, तो उसका भी ग्रीन स्क्रीन में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का। इसका भी ग्रीन स्क्रीन में रिमूव कर लेता हूँ और इसको छोटा कर लेना है, आप अपने हिसाब से इसको छोटा करके पीछे की साइड प्लेस कर देना है। तो अभी देखो ये अपने कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। किसी भी लेयर को आपको पीछे भेजना हो या ऊपर लाना हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट से आप ऊपर ला सकते हो और सेंड टू बैक से आप पीछे भेज सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं सेंड बैकवर्ड कर देता हूँ जिससे कि आप देख सकते हो अभी भी नहीं गया है, तो एक बार और करके देख लो, अब चला गया। ओके, अब यहीं से दोस्तों अपना जो मॉन्स्टर का ग्रीन स्क्रीन है वो ऐड करते हैं, मतलब अपना इटाची वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है और पीछे से पंच मारता है, ये सीन आपने देखा होगा। ओके, तो उसका भी ग्रीन स्क्रीन में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये ब्लू स्क्रीन में है तो इसका भी आपको क्रोमा की में जाना है और इनेबल कर देना है, यहाँ पे कलर ऑटोमेटिक ले लेगा अपने अकॉर्डिंग। ओके, और इसको आपको पीछे कुछ इस तरीके से सेट कर देना है, इसकी साइज़ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब देखो अभी भी अपने कैरेक्टर के ऊपर आ रहा है, तो उसी तरह से अपन इसको सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे, एक बार और इसको कर देंगे, ठीक है। बट अपना जो इटाची है उसके ऊपर रहना चाहिए और अपना जो कैरेक्टर है एनिमी है उसके पीछे रहना चाहिए, दोनों के बीच में रहना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो देखो मैं आपको प्ले करके बताऊँ, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो है, तो आपको क्या करना है, स्पीड में जाना है और इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देना है। ओके, मतलब आपका जो किल हो रहा है ना वहाँ तक इसे रखना है, तो इसको आपको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ तक आपका लास्ट तक आ जाना चाहिए, जैसे कि ये जैसे ही पंच मार रहा है और अपना कैरेक्टर गायब होना चाहिए। ओके, कुछ इस तरीके का सीन है। तो अब गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक ग्लो का इफेक्ट मिलेगा जो आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है, जिससे कि आपका इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। तो आपका जो ग्लो है वो भी आप यहीं से ऐड करना है आपको। तो देखो आपका जो ग्लो है कुछ इस तरीके से ब्लैक स्क्रीन में रहेगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो ब्लैक कलर है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ से आपको बाहर आ जाना है। अब क्या करना दोस्तों, अपना जो ग्लो है बहुत ही छोटा है, तो आपको कुछ इस तरीके से इसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज कर देना है और इसके अंदर की फ्रेम को डाल देना है कि जहाँ पर आपको छोटा रखना है, कहाँ कहाँ पर आपको बड़ा करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट में मुझे छोटा रखना है तो आप की फ्रेम को अप्लाई करो और फर्स्ट में इसकी साइज़ को छोटा कर दो, और अब आपको थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपका जो ग्लो है वो आपको बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। ओके, और अभी देखो ये भी आपके कैरेक्टर के ऊपर है, मतलब जो एनिमी है उसके ऊपर है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कैरेक्टर पर क्लिक करना है और इसे ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है, इस ग्लो के ऊपर आ जाएगा। ओके, क्योंकि सारी चीज़ें अपने को इस कैरेक्टर के पीछे करनी है। तो अब देखो कुछ इस तरीके का सीन आपको लगेगा, ये देखो, ठीक है, और अपना जो ग्लो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इसको आपको लास्ट तक ऐड कर देना है जहाँ तक आपकी वीडियो है, पीछे से आपको ट्रिम कर देना है। और गाइस यहाँ पे देखो अपना जो मॉन्स्टर है वो यहीं तक आ रहा है, ठीक है, बट अपने को लास्ट तक चाहिए जहाँ तक अपनी वीडियो क्लिप है। तो अपन क्या करेंगे, इस मॉन्स्टर की वीडियो को यहाँ से अपन दोबारा ऐड करेंगे और उसको रिवर्स कर देंगे। ओके, तो मैं फिर से ऐड कर देता हूँ, दोबारा ऐड करने के बाद इसको भी आपको पहले की तरह एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, और इसको भी आपको सेंड टू बैक कर देना है, मतलब पीछे की साइड भेज देना है। ओके, यहाँ पे मैंने पीछे की साइड भेज दिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि अपनी वीडियोज देख सकते हो थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, मतलब लास्ट तक नहीं आ रही है, तो अपन क्या करेंगे इस क्लिप को थोड़ी सी इसकी जो स्पीड है वो अपन स्लो कर देंगे, जिससे कि ये लास्ट तक आ जाएगी कुछ इतनी, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है थोड़ा सा अपन पीछे से कट कर देते हैं, और अब इसको कर देते हैं अपन रिवर्स। तो रिवर्स पे आपको क्लिक कर देना है जिससे कि आपको कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ, ये देखो इसको आप और भी परफेक्ट अच्छी तरीके से करना है, और आपका जो ग्लो है ना गाइस इस पर क्लिक करना है और इसकी जो ओपेसिटी है, अल्फा ओपेसिटी, इसको आपको कम कर देना है, जिससे कि आपका जो पीछे का मॉन्स्टर है वो भी आपको नज़र आए और ग्लो का इफेक्ट भी उसके ऊपर अच्छे से फील हो जाए। तो कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है। ओके, और अब गाइज यहाँ पे अपना किल हुआ है, तो यहाँ पे अपने को जो अपना रोड ब्रेक हो रहा है उसकी पीएनजी मैंने दे रखी है, तो उसको यहाँ पे ऐड करना है, अपना लूट बॉक्स ऐड करना है और अपना जो ब्लड का पीएनजी है उसे ऐड करना है। बस ये तीनों चीज़ें ऐड करके लास्ट तक अप्लाई कर देना है
और यहाँ पे अपनी जो वीडियो है कंप्लीट हो जाती है काइन मास्टर में। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ पर देख लो, मैंने पीएनजीज वगैरह सब ऐड कर दिए, मतलब जो ब्लड की है, जो लूट बॉक्स का है और जो रोड ब्रेक हो रहा है, ये देख सकते हो पीएनजीज मैंने ऐड कर दिए। और लास्ट में एक ये वीडियो इटाची का, ये भी आपको मिल जाएगा, तो ये भी मैंने लास्ट में ऐड कर दिया है। और अब आप एक बार ये देख लो पूरा लेयर को मैंने किस तरीके से एडजस्ट कर रखा है, तो आप इनको अच्छे से देख लो। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वैसे मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार ही अच्छे से देख लेना मैंने किस तरीके से लेयर्स को एडजस्ट कर रखा है, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब यहाँ से इसको कर लेना है एक्सपोर्ट, और अपने आ जाना है कैपकट के अंदर। तो कैपकट के अंदर आपको सिर्फ दो इफेक्ट को ही ऐड करना है, एक शेक का इफेक्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ मैंने कौन सा ऐड करा है। तो इफेक्ट में आ जाना है, वीडियो इफेक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी जो टाइमलाइन है मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, जिससे कि आपको इफेक्ट का नाम पता चल जाएगा। ये देख सकते हो रिपीट शेक के नाम से इफेक्ट मिलेगा जो आपको ऐड करना है, और एक रिबाउंड स्विंग जिससे कि आपकी स्क्रीन कंटिन्यूसली फ्लोट हो रही ना, इस इफेक्ट से हो रही है। तो इसको आपको लास्ट तक अप्लाई करना है, जहाँ तक आपकी वीडियो है, ओके, पूरी वीडियो पे इसको अप्लाई करना है। और देखो यहाँ पे अपना ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब अपनी प्रोफाइल आईडी से लॉबी में ट्रांजिस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक शेक का इफेक्ट डाल दिया, वही वाला, जिससे कि ये देख सकते हो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और यहाँ पे अपनी जो वीडियो है फाइनली कंप्लीट हो जाती है, और ज़्यादा इफेक्ट वगैरह आपको अप्लाई नहीं करना है। और एक इस पोजीशन पे जहाँ पे किल होता है ना, यहाँ पे भी आपको शेक का इफेक्ट डाल देना है, जिससे कि कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और इसका कलर एडजस्टमेंट कर लेना है, थोड़ी सी सैचुरेशन बढ़ा लेना है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देना है, और उसके बाद आपकी जो वीडियो है गाइस वो फाइनली बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ से इसको कर लेना है एक्सपोर्ट। और गाइस अगर आपको लगेगा आपकी वीडियो में थोड़ी सी क्वालिटी डाउन है, तो इसके ऊपर मैंने एक मस्त वीडियो बना रखी है जो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, रिसेंटली मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप जाके देख लेना। तो गाइस इस वाली वीडियो में बस इतना सही, ये वाली वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।